सकते हो गाइस, यहाँ पे ये रहा ताजमहल और सपना पूरा हो गया। गुड़िया का भी सपना पूरा हो गया कि ताजमहल में देख लिया आज। ठीक, ताजमहल का नजारा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं ताजमहल। मेरा सपना था जिंदगी में कभी हम ताजमहल देखेंगे। तुम्हारा भी सपना था? हमारा तो सपना इतना बड़ा था कि अभी पूरा होने वाला है। तो आज हम जा रहे हैं ताजमहल और ताजमहल में बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले हैं और आप लोगों को भी लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि ये हमारा ड्रीम था कि हम कभी ताजमहल देखेंगे और आज फाइनली वो दिन आ चुका है और ये सब हो पा रहा है। हमारी यहाँ पे देखो तो आरती जी है, जो आरती चौहान के नाम से यूट्यूब पर इनका चैनल बहुत ज्यादा फेमस है। आरती चौधरी के नाम से इनका चैनल है। तो इन्होंने ही हमको पूरा वृंदावन और ये ताजमहल वगैरह सब यही टहला रही हैं। तो इनका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं। अरे नहीं, हम शुक्रगुजार हैं, हमारे भैया हमारे पास आए और हम हमारे साथ दर्शन हो रहे हैं। चलो इनके तो यहाँ पे वृंदावन में ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कहीं बाहर हूँ, अपने घर की तरह यहाँ पे सारे लोग मुझे मान सम्मान दे रहे हैं। तो अब चलते हैं हम अपने ताजमहल। लोग तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए और सभी लोग इसमें आप लोग राधे राधे लिखिए और हम लोग चलते हैं और आप लोगों को ताजमहल का नजारा दिखाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल के। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोगों को ताजमहल जाने के लिए यहाँ पर ऑटो वगैरह नहीं मिला। तो यहाँ पर देखते हैं इनके पापा की क्या है बाइक। पापा का वो है हमारा रिक्शा। हाँ, पापा का रिक्शा है। यहाँ पर देखते हो भैया जो है चला रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं इस तरीके से तुम चला कर ले जाओगे क्या? चला के ले जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं। भाभी देखो किस तरीके से बैठी है। वहाँ पर दीदी भी बैठेंगी अभी और सभी लोग जा रहे हैं। भैया चला कर नहीं जाएंगे यहाँ पर। ये भैया चला कर ले जाएंगे आप ले जाओगे। हाँ, तो यहाँ पर दीदी देखते किस तरीके से वीडियो बनाने में लगी हुई है। हम लोग आ चुके हैं बस अड्डे पर और यहाँ पे देखे तो बहुत सारी लंबी मतलब हाईवे है और यहीं से हमको बस मिलने वाली है आगरा के लिए। और आगरा में हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू जरूर बने रहना। तो यहाँ पर देखते हैं सभी लोग बस में बैठ चुके हैं। यहाँ पर देखते दीदी भैया और भाभी यहाँ पर सभी लोग बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं आगरा के ताजमहल में। और यहाँ पे आप लोग दिखाइए एंट्री गेट पर है अभी और ये है एंट्री गेट। ठीक है, और हम ताजमहल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है एंट्री गेट, इसी से हम लोग जाएंगे और अंदर का नजारा आप लोगों को दिखाएंगे। तारा पे देख सकते हो गुड़िया टिकट कटवा के लाई है क्योंकि लेडीज को यहाँ पे जल्दी मिल जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो ये टिकट इस तरीके से बुक होती है ताजमहल की। ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता यहाँ पे जमा होता क्या होता है। हम लोग चलते हैं अंदर, वहाँ पे आपको नजारा दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग घुस चुके हैं ताजमहल के अंदर। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है टिकट को लेकर। अब हम अंदर की ओर दिखाते हैं आपको क्या नजारा होने वाला है, बहुत ही मस्त। देखिए तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके का यहाँ का नजारा है और अंदर का जो है आप लोगों को मैं दिखाऊंगी चलकर अंदर की साइड में। वो देखो वहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो हम लोग घुस चुके हैं मेन गेट पर और अंदर हमारी एंट्री होने वाली है और यहाँ से अंदर का नजारा भी आपको दिखाएंगे। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम लोग ताजमहल के अंदर और यहाँ पे आप लोग सकते हो नजारा बिल्कुल अंदर का। और अब आपको दिखाने वाले हैं हम लोग ताजमहल, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है जहाँ से आप लोग ताजमहल देख सकते हो अपने आंखों से। तो इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे और आप लोगों को ताजमहल का फुल नजारा दिखाऊंगी। आपने देखा नहीं है कभी तो आज मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये रहा ताजमहल और ये देख सकते हो इधर। आप देखो ये देख सकते हो गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है, मतलब हमने भी पहली बार देखा है। तो यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो और ये रहा मेन फ्रंट, ये देख सकते हो। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ लुक है। तो दोस्तों ये है यहाँ का नज़ारा, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो देख सकते हो गाइस अभी हमें ताजमहल के अंदर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैक साइड में ये रहा ताजमहल, बैक साइड से दिखता है और मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरीके से ये बैक साइड में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बढ़िया कैसा लग रहा है अंदर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखा नहीं था, आप देख रहे हैं तो बहुत ही खुशी। अच्छा, ये जो है पहला हमारा एक ड्रीम था कभी हम ताजमहल घूमने जाएंगे और आज हमारा सपना पूरा हो गया। गुड़िया का भी सपना पूरा हो गया कि ताजमहल में देख लिया आज। ठीक है, देख सकते हो गाइस आप लोग यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है जैसा कि गुड़िया आपको दिखाने की कोशिश कर रही है। ये बैक साइड में जो बिल्डिंग है ये अक्सर कर आपने फोटो में देखा होगा और आज आप लोग रियल में देखिए। तो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो आज ताजमहल के अंदर है हम लोग और यहाँ पे आप ये वाला लोकेशन देखिए। गुड़िया यहाँ पे खड़ी हो, पीछे जाइए, दोनों लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है।
और यहाँ का जो बैकग्राउंड लोकेशन है ये देख सकते हो यहाँ पे, इसी बैक साइड में मतलब ताजमहल के बैक साइड से आप लोग देख सकते हो, यमुना नदी है शायद, मुझे लग रहा है ये तो, मुझे पता नहीं है कन्फर्म, और कन्फर्म पता होगा तो कमेंट कर दूंगा, ट्वीट कर दूंगा, ठीक है, पता है जो आ चुका है उसी को पता होगा। लेकिन यहाँ का लोकेशन भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला बिल्डिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इधर देखिए ये, ठीक है, ये पीछे की साइड में आपको दिख जाएगा ताजमहल। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और आप लोगों को भी लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं और सेल्फी वगैरह खींची हैं। तो जैसा भी ब्लॉग आपको लगा, कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना, और आगे जो होता है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ का लोकेशन आप सभी लोग देखते हो, यहाँ का पानी जो है बिल्कुल नीला नीला दिख रहा है, यहाँ देखते हो यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। तो यहाँ पर देखते हो इस तरीके से ताजमहल का नजारा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट से जरूर बताएं, हमको तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप सभी लोग आए हैं तो जल्दी जल्दी से कमेंट करें, आप सभी लोग बहुत ज्यादा भीड़ होती है, आप देख सकते हो आप सभी लोग इधर भी भीड़ होती है और इधर भी भीड़ होती है। तो देख सकते हो अभी हमें फोटो शूट पर यहाँ पे ताजमहल का पूरा फोटो खींचा जाता है, यहाँ से सारे लोग खींचते, यहाँ से बहुत ही अच्छा आता है। तो आज का ब्लॉग में जो चीजें दिखाई है बिल्कुल रियल में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। जिसको भी फोटो खींचना है जल्दी से आइए ताजमहल पर। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोगों ने बहुत ज्यादा ताजमहल में मस्ती की और यहाँ पर बहुत सारे फोटो भी खींचे, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को पता है ना, यहाँ पर बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले थे हम लोगों को। तो दोस्तों अब हम लोग जाएंगे घर की और आप लोगों को पूरा ताजमहल घुमा दिया है यहाँ पर भैया और दीदी, यहाँ पर देखते क्या कहना चाहते हैं। बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छा लगा घूम कर, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। आप तो दोस्तों आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आगे की अगला ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।